हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ एवरीथिंग में। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को इतना पसंद किया और उसे सराहा। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के साथ ताशकंद में अग्रीमेंट वाली रात को ही शास्त्री जी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। उनके शव को भारत वापस लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया वो जगह गांधी जी और नेहरू जी के समाधि स्थल से ज्यादा दूर नहीं है। मशहूर मैगजीन लाइफ के अकॉर्डिंग करीब 10 लाख लोगों ने शास्त्री जी के अंतिम संस्कार में शरीक हुए, जो नेहरू जी के अंतिम संस्कार में शरीक हुए लोगों की संख्या से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शामिल होना ये दिखाता है कि आम भारतीय आदमी शास्त्री जी को कई मामलों में नेहरू जी से करीब पाता था। जहां 1962 में चीन के साथ लड़ाई में देश का मनोबल टूट सा गया था, वहीं 1965 की लड़ाई में शास्त्री जी के कुशल लीडरशिप और भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से देश मजबूत हुआ और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा। एक बार फिर से कंडीशन वैसी ही पैदा हो गई जैसी नेहरू जी के बाद हुई थी, लीडरशिप वैक्यूम। एक बार फिर से शास्त्री जी का उत्तराधिकारी ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई के कामराज जी को। एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यानी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और एक बार फिर मुरारजी देसाई जी ने पीएम पद के लिए अपना दावा ठोका और एक बार फिर उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। एक नाम जो इस रेस में सबसे ऊपर आ रहा था वो था इंदिरा जी का। इंदिरा जी के पक्ष में कई बातें गई। एक तो इंदिरा जी काफी यंग थी, हालांकि वो 48 साल की थी लेकिन राजनीति में 48 साल को यंग ही माना जाएगा। दूसरा, इंदिरा जी को पॉलिटिक्स का बचपन से ही काफी एक्सपोजर था और वो अपने पिताजी नेहरू जी के साथ काफी विदेश यात्राओं पे भी गई थी। इंदिरा जी की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी जिससे देशवासी इंप्रेस होते थे। और सबसे बड़ी बात जो उनकी फेवर में गई वो ये थी कि इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी। जी हाँ, नेहरू जी को इस देशवासियों ने बहुत प्रेम किया और उनकी बेटी पीएम की कैंडिडेट हो इसके लिए वो लोग राह ताक रहे थे। हालांकि इंदिरा जी को राजनीतिक एक्सपीरियंस कुछ कम था, लेकिन सिंडिकेट यानी कामराज और उनके करीबी मित्रों ने सोचा कि अगर इंदिरा जी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो कलेक्टिव लीडरशिप की वजह से पर्दे के पीछे से सरकार को चला सकते हैं। जब कामराज जी की अगुवाई में इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट चुन लिया गया तो मोरारजी देसाई जी नाराज हो गए। वो इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो एक तरफ मोरारजी देसाई जी थे और दूसरी तरफ इंदिरा जी थी। इंदिरा जी के पीछे जो समर्थन मिल रहा था वो मिल रहा था कामराज जी का और उनके सहयोगियों का, जो ये चाह रहे थे कि इंदिरा जी को सामने रख के पीछे से सरकार वो लोग चला सकते हैं। इस चुनाव में इंदिरा जी मुरारजी देसाई जी के कंपैरिजन में काफी भारी मतों से विजयी हुई और इस तरह इस देश को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा गांधी जी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मिजोरम में चल रहा आंदोलन। नागालैंड की ही तरह मिजोरम में भी बहुत सारे युवा या बहुत सारे लड़ाके अपने लिए मिजोरम का एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे। यह आंदोलन कुछ इस तरह भड़का, वहां पे हिंसा कुछ इस कदर बढ़ी कि भारतीय सरकार को एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा। यह पहली दफा हुआ कि इस देश के लोगों के खिलाफ ही एयरफोर्स यूज की गई। सरकार को लगा था कि वो एयरफोर्स का यूज करके विद्रोहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर नागालैंड के साथ जो पीस टॉक्स यानी शांति वार्ता चल रही थी वो भी टूटने सी लगी। जेपी नारायण जो शांति वार्ता के मेंबर थे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। दोनों ही आंदोलनों यानी नागा और मिजो को चाइना और पाकिस्तान से हथियार और ट्रेनिंग बरामद हो रही थी। यही नहीं, इस बीच सेंट्रल इंडिया स्पेशली बस्तर में आदिवासी आंदोलन स्टार्ट हो गए। भारतीय सरकार ने
वहां के महाराजा को गद्दी से उतार दिया और इस बात से वहां के आदिवासी काफी नाराज हो गए। नाराजगी जाहिर करने के लिए आंदोलन हुए, हिंसा हुई और पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ में करीब 40 लोग मारे गए। तो चलिए अब रुख करते हैं पंजाब की तरफ। 1965 की लड़ाई में सिख कमांडर्स और सिख सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन को ये देश कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ सोल्जर्स और कमांडर्स नहीं, वहां की आम जनता भी इस युद्ध में भारतीयों का बहुत साथ दिया। वहां के किसानों ने और वहां के बिजनेसमैन ने अपने खाद्यान्न के भंडारों को सेना के लिए खोल दिया। वहां के गांव-गांव से सैनिकों के लिए स्पेशल पकवान बनाए गए। वहां की जनता ने दिल खोल कर भारतीय सेना का साथ दिया। एक मैगजीन ने यहां तक लिखा कि ऐसा लग रहा था कि 1965 की लड़ाई में पंजाब एक प्रांत नहीं जबकि पंजाब एक व्यक्ति बन गया है और जिसने अपने आप को पूरी तरह से देश सेवा में झोंक दिया है। इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सरकार ने पंजाब की एक पुरानी डिमांड को फुलफिल करने का फैसला किया और सरकार ने फैसला किया कि पंजाब को अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक तरफ पहाड़ी इलाका जिसे हिमाचल प्रदेश कहा गया, दूसरी तरफ पूर्व में जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी उसको हरियाणा कहा गया और जहाँ पे पंजाबी पॉपुलेशन और सिख पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी उसको पंजाब कहा गया। तो चलिए बात करते हैं इंदिरा जी के पहले विदेशी दौरे के बारे में। उस वक्त इंदिरा जी अमेरिका गई पेरिस और लंदन होते हुए। उनके अमेरिका यात्रा को अमेरिकी न्यूज़पेपर ने ये कह के लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में भीख मांगने के लिए आ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश की भूखी जनता के लिए हाथ में कटोरा लेके वहाँ के राष्ट्रपति से गेहूं की भीख मांगने आ रही हैं। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो MS स्वामीनाथन जी के लीडरशिप में चल रही थी उसके रिजल्ट अभी आने बाकी थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कुछ उलूल जुलूल बयान दिए और इसका ये भी कहा कि भारतीयों को खेतीबाड़ी सिखाने के लिए कम से कम 1000 अमेरिकी किसानों को भारत भेजना पड़ेगा। हालांकि ये समय और इस तरह के बयान भारतीयों के प्राउड को काफ़ी ठेस पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी भारतीयों के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। 1965 और 1966 के बीच में करीब 1.5 करोड़ टन वीट यानी गेहूं अमेरिका से इंपोर्ट किया गया जिससे 4 करोड़ भारतीयों के पेट भर पाए। अमेरिका में यह कहा गया कि इंडियन लोग हिपोक्रेट हैं, एक तरफ तो वो अमेरिका से अनाज की भीख मांगते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को वियतनाम में किए गए अटैक के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। अनाज, मशीनरी और हथियारों की इंपोर्ट की वजह से भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी कम हो गया और यह सिर्फ 62.5 करोड़ डॉलर रह गया। इस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने डिसाइड किया कि भारतीय मुद्रा का डिवेल्युएशन किया जाएगा और भारतीय मुद्रा का डिवेल्युएशन किया गया। डिवेल्युएशन करने से पहले $1 की कीमत करीब 4.5 रुपये के बराबर थी और डिवेल्युएशन के बाद $1 की कीमत करीब 7.5 रुपये हो गई। ओपोजिशन स्पेशली लेफ्ट पार्टीज ने इसके लिए खूब भारतीय सरकार की निंदा की और सड़कों पर आंदोलन भी किए। हालांकि 1966 में बड़े ही अजीब ढंग से कश्मीर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन एक दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश में आंदोलन स्टार्ट हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आंध्र प्रदेश में एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन भारतीय सरकार की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उस समय वहां पे स्टील प्लांट लगाना संभव नहीं हो पाया। जब स्टील प्लांट वहां पे नहीं लगा तो वहां के स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे थे कि स्टील प्लांट की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोग सड़कों पे आ गए और वहां पे खूब आंदोलन किए। सड़कें जाम कर दी गई, रेलवे की पटरियों को उखाड़ दिया गया और बहुत सारे सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। एक तरफ आंध्रा जल रहा था, उसी समय बिहार में सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से बिहार में अनाज की कमी हो गई और वहां के आदिवासियों को बुरी तरह से भूख का सामना करना पड़ा। मुंगेर जिले में तो
हालत इतनी खराब हो गई कि वहां के आदिवासियों को पेड़ों की जड़ खा के अपना गुजारा करना पड़ा। जब आंदोलन इतनी बुरी तरह से बढ़ रहे थे, स्टूडेंट और किसानों के साथ एक तीसरा तबका भी जुड़ गया, जिसकी वजह से ये आंदोलन और भी खतरनाक हो गए, और वो तबका था साधु लोगों का। काफी समय से साधु लोग गोहत्या के खिलाफ गवर्नमेंट को अपील कर रहे थे कि गोहत्या को ऑल इंडिया लेवल पे बैन कर दिया जाए, लेकिन उनकी डिमांड को अनसुना किया जा रहा था। करीब 1,00,000 साधु और किसान लोगों ने पार्लियामेंट का घेराव कर दिया। करीब 1,00,000 साधु और किसान लोग दिल्ली में पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। स्वामी रामेश्वर आनंद जी ने उनको अपील की कि क्यों ना संसद का घेराव किया जाए। उनकी अपील का असर ये हुआ कि वो सब लोग पार्लियामेंट को घेराव करने के लिए चल पड़े, और इसी बीच में उनकी मुठभेड़ पुलिस से हो गई। पुलिस और साधु लोगों की लड़ाई इतनी भीषण हुई कि बाद में करीब 40 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी भीड़ ने कामराज जी का घर भी जला दिया। तो देखते हैं हम लोग कि काउस लोटर के खिलाफ बैन एक नई समस्या नहीं है, जबकि यह समस्या काफी पुरानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह टाइम देश के लिए बहुत ही बुरा और खतरनाक टाइम था। हर तरफ अशांति, आंदोलन और सूखे की समस्याएं थी। 1966 में एक बार फिर मॉनसून ने धोखा दिया और देश सिर्फ बिखरने की कगार भी नहीं, बल्कि भुखमरी की ओर भी बढ़ रहा था। कई सारे वेस्टर्न एनवायरमेंटलिस्ट ने यह कहा कि भारत के केस में माल्थस की वह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो गई है, जब उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन ग्रोथ फूड ग्रोथ से कम हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ विदेशी मैगजीन्स ने यह लिखा कि आज हिंदुस्तान अकाल और आपदा झेलते हुए भूखे देशों की कतार में सबसे पहले स्थान पर खड़ा है, लेकिन आने वाले समय में वहां के हालात और भी खराब हो जाएंगे, जब बड़े पैमाने पर दंगे होंगे, रायट्स होंगे और सरकार उन्हें कंट्रोल करने में नाकामयाब होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 1975 तक देश में अराजकता, रायट्स, दंगे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अनियंत्रित महंगाई आदि घटनाएं बहुत आम बात हो जाएगी। तो क्या भारत इन असंभव सी दिखने वाली प्रॉब्लम से बाहर आ पाया? क्या भारतीय सरकार ने विदेशी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया? ये सब जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद।